सो मैं इससे पहले एक या दो बार आ चुका, इसे फिलहाल जो है ट्राई करते हैं। तो ये हमारा चिकन विंग्स। Hey guys, welcome back with another food vlog. This is Versus Malik and you are watching. Finally guys, हम लोग आ चुके हैं लवेला। आप लोगों ने काफी कमेंट किया था कि लवेला का जो है एक फूड ब्लॉग बना, बट सच बोलो तो गाइस मुझे नहीं पता था कि लवेला था कहाँ पर और है कहाँ पर। तो ये जो आप लेन देख रहे हो ये है गोधुली लेन। सो गोधुली लेन के एंड पॉइंट पे ये स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि आपको खाना जो है स्ट्रीट पे ही खाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस स्लैब। सो ये स्लैब के ऊपर रख के खा सकते हो, अदरवाइज आप खड़े खड़े खा सकते हो। नीचे एक नाली है एंड ये जो काउंटर है, फूड काउंटर, ये एक घर के बिल्डिंग के नीचे काउंटर है, मुझे नहीं पता था। एंड ये काफ़ी पॉपुलर बाय द वे आसनसोल में लवेला जो है काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली ये जो है चिकन फ्राई, चिकन पकौड़ा एंड फिश फ्राई, फिश पकौड़ा, फिश कटलेट, मतलब चिकन एंड फिश के लिए काफ़ी फेमस है। तो अभी तक जो है शॉप खुली नहीं है, ये शॉप जो है 4:30 बजे तक खुल जाती है और शाम को ही खुलती है, दिन में आई थिंक नहीं खुलती है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि प्राइसिंग वगैरह क्या है और आज का मेनू क्या है। मुझे जहाँ तक पता चला है कि एवरी डे मेनू जो है चेंज होता रहता है, मतलब फ्रिक्वेंट मेनू, एक सेम मेनू हर दिन नहीं रहता। तो देखते हैं कि आज का मेनू में क्या है और कुछ आइटम हम लोग ऑर्डर करते हैं, टेस्ट करते हैं लवेला का फूड, फास्ट फूड। क्वेश्चन गाइस एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हो ये लेन यहाँ से स्टार्ट होती है, जीटी रोड से कनेक्ट हो रही है ये रोड एंड इधर आती है। ये रोड का नाम है गोधुली रोड, गोधुली लेन। तो उसके एंड पॉइंट पे आपको जो है ये लवेला फास्ट फूड काउंटर देखने को मिलेगा। सो फिलहाल वेट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हर दिन जो है मेनू चेंज होता है, हर दिन मतलब मेनू अलग अलग मेनू आता है। तो आज हम लोगों के पास फिश टिक्का है, फिश कटलेट नहीं है, बट एक यूनिक आइटम, डिफरेंट यूनिक आइटम मैं गाइस ट्राई करना चाहूँगा वो है गाइस फिश, सॉरी चिकन बटर रोल। अंकल चिकन बटर रोल का क्या प्राइस है? 90 रुपीज़ और ये 100 रुपीज़। तो और भी काफ़ी सारे आइटम हैं जो अभी बनने में लेट होगा क्योंकि शॉप जो है अभी खुली है। तो तब तक हम लोग जो है फिश टिक्का और चिकन बटर रोल ट्राई करते हैं। टिक्का और ये हमारा फिश टिक्का। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, आपको जो है कैश में ही पेमेंट करना होगा। कोई भी ऑनलाइन जीपे फोन पे नहीं है, आपको ऑनलाइन करना होगा, ओनली कैश पेमेंट, नॉट अलाउड फोन पे। तो कैश लाना मत भूलना। गाइस हम लोग का चिकन बटर रोल, तो इसका खास बात मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं एक से दो बार ही आ चुका हूँ, तो कुछ आइटम मैंने ट्राई किया है। तो मैंने बताया, नाम मैंने बहुत सुना था लवेला का, बट मुझे एड्रेस नहीं पता था। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ। बटर रोल का खास बात, मैं पहले भी ये आइटम ऑर्डर कर चुका हूँ एंड मैं आपको इस वीडियो में वही आइटम ऑर्डर करूँगा जो मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, और कुछ आइटम ऑर्डर करूँगा जो मैंने पहले नहीं ट्राई कर रखा है। तो अब बात करते गाइस इसकी खास बात की। तो ये जो बटर रोल देख रहे हो गाइस, ये ऊपर से उसका शीट है, ये शीट जो है गाइस चिकन है, मतलब आपको लगेगा कि ये जो शीट है ये मैदा का है, बट एक्चुअली ये मैदा नहीं है, ये चिकन है। एंड चिकन के अंदर, ये चिकन शीट के अंदर जो है चिकन कीमा का एक आपको जो है मसाला दिखेगा एंड उसके साथ आपको जो है दही और पुदीना का चटनी मिलता है। आई थिंक ये दही के साथ पुदीना मिक्स किया है, तो इसे आप खा सकते हो। गाइस है भेट की फिश टिक्का। तो जैसा कि गाइस मैंने बोला, जो लवेला का फ़िश आइटम जो है काफ़ी पॉपुलर है। देखो गाइस मक्खियों की उड़ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रीट फूड एंड नीचे एक नाली भी है बाय द वे। तो ये है गाइस भेटकी फ़िश एंड इसे हम लोग ट्राई करते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है, जूसी, यहाँ से जूस निकल रहा है। देख रहे हो गाइस, तो फ़िश जो है काफ़ी फ्रेश है। जनरली फ़िश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिशी सा स्मेल आता है, बट इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी टेस्टी है। ये गाइस चिकन बटर रोल मुझे काफ़ी पसंद आया, दिस इज़ अमेजिंग गाइस। तो इसका प्राइस 90 रुपीज़ है। आपको जो है प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मुझे भी लगा, क्योंकि कुछ कुछ आइटम का जो प्राइस है वो रेस्टोरेंट का आइटम, मतलब रेस्टोरेंट के प्राइस को मैच कर जाएगा। एज अ स्ट्रीट फूड अगर ये देखा जाए तो ये चीप नहीं है, हो सकता है ये स्ट्रीट फूड, बट टेस्ट भी अच्छा है, बट प्राइस जो है गाइस वो किसी भी रेस्टोरेंट के प्राइस को टक्कर दे देगा।
अभी भी शायद काफ़ी सारे आइटम जो अभी भी है, तो हमें सब जो ट्राई करना है। लोकेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ, ये गोधुली का जो लेन है वो इसके एंड पॉइंट में और BSNL टेलीफोन एक्सचेंज के ऑपोजिट में। गाइस हमारा चिकन विंग, जैसे कि मैंने बोला गाइस आइटम जो है काफ़ी सारे हैं, आप आके ट्राई कर सकते हो। एंड जो है हर रोज़ आइटम चेंज होता है, सो ये एक्चुअली ग्रिल्ड होने का बात था, मतलब ये चिकन विंग्स जो है ग्रिल्ड होता है, बट हमारे पास टाइम कम है तो अंकल ने क्या किया, डीप फ्राई करके दिया। और हमारा जो है अभी ग्रिल्ड हो रहा है रेशमी कबाब, तो इसे फ़िलहाल जो है ट्राई करते हैं। तो ये हमारा चिकन विंग्स पीस काफ़ी बड़ा है। ओ ये काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, इसे हम रखते हैं तो ट्राई करते हैं। ऊपर से चाट मसाला दिया गया है। इसका प्राइस गाइस मुझे नहीं पता, पूछना पड़ेगा। एंड काफ़ी टेस्टी है, ऊपर में नींबू भी दिया गया है। तो मैं इसे फटाफट ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसे ख़त्म करने के बाद हमें जो है रेशमी कबाब भी ट्राई करना है। गाइस हम लोग का रेशमी टिक्का कबाब, तो काफ़ी सॉफ्ट है, अभी इसके साथ अलग चटनी लग रहा है, देखते हैं ट्राई करके। सेम चटनी है, कलर थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई करते हैं। काफ़ी सॉफ्ट। तो हम लोगों ने जितने भी आइटम ट्राई किया है मुझे बहुत सही लगा सब कुछ। एक आइटम मैंने ट्राई किया था लेमन चिकन, वो मुझे कुछ खास सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने आज ऑर्डर नहीं किया। बट अगर आपको लेमन चिकन ट्राई करना है तो वो भी आप देख सकते हो, शायद आपको अच्छा लगे। ऊपर सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, जूसी ना। गाइस ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस गाइस काफ़ी अच्छा था लवेला के साथ। एंड फाइनली गाइस मैं लवेला का वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था, इससे पहले मैंने दो बार विजिट किया पता चलने के बाद। मेरे ऑपोजिट में जो है BSNL टेलीकॉम ऑफिस है, उसके ऑपोजिट में है लवेला। ऑल ओवर एक्सपीरियंस गाइस काफ़ी अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, खास करके कबाब का। एंड ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहो तो मतलब ले सकते हो। एंड हर दिन जो है इनका मेनू चेंज होता है। एंड आज का आइटम मुझे सबका सब बहुत ही अच्छा लगा। तो दो तीन चीज़ गाइस मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, एक तो है यहाँ पर कि आपको कैश पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन का कोई भी सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात, आप जो है पैक करा के घर लेके जा सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खड़े खड़े खाना होगा, अदरवाइज़ जो बैठने का जगह है वो उतना ज़्यादा सही नहीं है। और बात करते हैं गाइस प्राइस की, तो ये तो गाइस एक स्ट्रीट फूड है एंड कोई रेस्टोरेंट या फिर होटल नहीं है, बट जो प्राइस है गाइस वो अच्छी खासी होटल या रेस्टोरेंट का प्राइस के साथ टक्कर दे सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर गाइस पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह का वीडियो मैं लाकर रखूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।